कक्षा अष्टमी विषय गणित अध्याय छे प्रश्नावली 6.4। नमस्कार। फिर अब अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे जब अपन ने प्रश्नावली के बारे में पढ़ा तो अपन ने वो उसमें भार अभाज्य गुणनखंड द्वारा सब प्रश्न पढ़े थे, उसमें वर्ग से वर्ग मूल ज्ञात करना। अब अपन पढ़ेंगे इसमें प्रश्न नंबर पहला कि भाग विधि से अपने को, अब पहले था अभाज्य गुणनखंड विधि और अब है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब अपने पास में दिए 2304 ये संख्या दी हुई है। अब अपने को इसमें इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो अपने को सबसे पहले इकाई अंक से इसके जोड़े बनाने, इकाई अंक से जोड़े बनाए तो अपने पास में देखो 0 और 4 ये एक युग्म बन गया और फिर दूसरा युग्म बन गया 23। अब अपने को मालूम ये होना चाहिए 23 एक वर्ग नहीं है तो 23 से छोटा वर्ग अपने पास में उसको लेना है तो 23 से छोटा वर्ग अपने पास में है 16। अब 16 का वर्ग मूल क्या है तो 16 का वर्ग मूल है 4। तो अपन ने यहाँ पे 4 ले लिया और इसका वर्ग मूल 4 ले लिया। अब इसमें भाज्य और भाजक और भाजक के रूप में अपन ने 4 लिया, ये 4 × 4 = 16 हो गया। अब प्लस के रूप में भाज्य में 4 ले लिया, 4 और 4 को जोड़ा तो अपने पास में क्या आ गया 8 आ गया। अब अपने पास में अपन ने इसमें और आगे संख्या लेनी है। अब अपन ने इसमें एक युग्म उतार दिया 0, 4 और 23 में से 16 घटा दिए तब आ गया अपने पास में 7 आ गया। अब अपने पास में संख्या प्राप्त हो गई 704। अब अपने पास में देखो इकाई अंक आया हुआ है इसमें 4। अब 4 इकाई अंक आया हुआ है तो ये 4 इकाई अंक किसके पीछे आता है वर्ग और वर्गमूल में अपने को बताना है, वर्गमूल बताना है। तो अब देखो इसके में आ रहा है ये 4, एक तो अपने पास में 2 के भी आ रहा है और अपने पास में 8 का आ रहा है। अब देखो 2 का करेंगे तो इसका 4 आ रहा है और इसका आ रहा है 64। देखो अब इकाई अंक इसका क्या आ रहा है वर्ग का 4 आ रहा है तो ऐसे ही अपने इसमें लेंगे। तो अपन पास में जो संख्या 8 जोड़ने पे आई है वो तो लेनी ही है। फिर अपने पास में ली तो संख्या पास में देखो 8 और तो अपने पास में जोड़ने के रूप में आई और अपन ने देखो 4 के रूप में अपन इसको छोटे से भी ले सकते हैं और अपन ने इसमें सबसे पहले बड़ी ली तो ये 8 और 8 ये वर्ग मूल ले लिया अपने पास में। अब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर अपने पास में इसका आ जाएगा 704। तो ये 704 आ गया। तो अपने पास में ये देखो ये 8 उतार दिया और यहाँ पे 704 घटाया तब इसमें 0 आ गया। तो अब ये 2304 वर्ग का अपने पास में 48 वर्ग मूल प्राप्त हो गया। अब आगे ही ऐसी एक और संख्या लेते हैं 529। 529 लिया, 529 में अपने पास में इसमें फिर युग्म बनाते हैं तो शुरुआत में इकाई दाई ऐसे, बाद में कोई भी संख्या एक बसती है तो उसको लेना है पर पहले इकाई और दाई में अपने को युग्म रखना है। अब इकाई दाई में अपन ने 29 युग्म रखा। फिर अपने 5, 1 अपने पास में वर्ग नहीं है तो वर्ग इससे छोटा वर्ग अपने पास में क्या है 4 है, वो 4 अपन ने ले लिया माइनस में। ये इसका वर्ग मूल क्या है तो 2 है इसका वर्ग मूल तो 2 × 2 यहाँ लिख दिया। फिर अपने पास में माइनस 4 कर दिया और 2 प्लस के रूप में लिख दिया। अब 29 युग्म अपन ने उतारा और 5 में से 1 उतारा 1 आ गया, अपने पास में 129 संख्या आ गई। अब देखो 9 किसके वर्ग में आ रहा है, 9 किसके ये वर्ग मूल का है वर्ग किस किस में आ रहा है तो 2, 3 या 7 में आता है, 3 या 7 में आता है। तो अपन ने इसमें ये छोटी संख्या दिख रही है तो अपने पास में अपन ने क्या ले लिया 43 और 3 ऐसे 3 3 ये युग्म ले लिया, इसका गुणा किया तब ये 129 आ गया, इसको माइनस कर दिया तो इसका उत्तर 0 प्राप्त हो रहा है और ये अपने पास में 23 आ गया। तो 529 वर्ग का वर्गमूल अपने पास में क्या प्राप्त हो गया 23 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ऐसे ही आगे अपने प्रश्न आगे और देखते जाएंगे। अब आगे देखा तो अपन ने और एक प्रश्न लिया 5776 लिया तो अपने पास में देखो अब ये युग्म 4 अंक है इसलिए अपन ने 2 2 के युग्म बना दिए। 57
57 एक वर्ग नहीं है, 57 से छोटा अपने पास में वर्ग क्या है, 49 वर्ग है, 49 का वर्ग मूल क्या है, 7, तो अपन ने उसका युग्म एक यहाँ उतार दिया और 49 याद गया, 76 अपन ने इसका युग्म उतार दिया और 57 में से 49 चले गए तो अपने पास में 876 है, और 7 और 7 को जोड़ दिया तो यहाँ क्या आ गया, 14 आ गया। अब ये 14 आया, अब अपने पास में 6 आ गए इकाई अंक के, तो 6 किस किस के इकाई अंक में आता है वो देखेंगे, तो 6 इकाई अंक किस किस में आ रहा है, एक तो 4 में आता है और एक आता है 6 में, तो 4 और 6 अपन ने बड़ी संख्या ली, तो बड़ी संख्या ली तो एक 14 के पास में 6 का युग्म उतार दिया, 6 का युग्म उतारा तो अपन ने गुणा किया तो 876 आ गया और यहाँ पे अपने पास में 76 प्राप्त हो गया। 5776 वर्ग का अपने पास में भाग विधि से 76 वर्ग मूल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये भी है, अपन इसमें भी युग्म बना दिए दो दो के, 79 अपने पास में वर्ग नहीं है, उससे छोटा अपने पास में वर्ग है 64, उसका वर्ग मूल क्या है 8, तो ये युग्म उतार दिया और अपन ने 21 इसका युग्म उतारा और घटाया तो 15 आ गया, फिर 15 आया तो एक किस किस के पीछे आ रहा है, एक एक तो एक के पीछे आ रहा है और एक 9 के पीछे आता है, एक आता है 9, तो अपन ने सबसे ये बड़ी संख्या इसलिए अपन ने 9 लिया। अब 16 है, 16 के पास में एक युग्म उतार दिया 9 का, 9 का युग्म उतारा तो 9 इससे गुणा किया तो अपने पास में 1521 अपने पास में आ गया। इस प्रकार 7921 वर्ग का भाग विधि से 90 वर्ग प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपन आगे और प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर दो में है, निम्नलिखित द्वारा समझाओ में की संख्याओं में जो भी है उसके वर्गमूल के अंक क्या प्राप्त होंगे। जो अपने पास में संख्या दी हुई है, कोई 2 अंक की दी है तो इसका वर्गमूल कितने अंकों में प्राप्त होगा, 4 दी हुई है तो उसके कितने अंकों में, अरे अपनी कितने अंकों में उसका वर्ग मूल प्राप्त हो रहा है वो बताना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में अपने पास में इसमें एन क्या है, अंक है। तो अगर देखो किस पास में अपने पास में सम संख्या दी हुई है तो उसके लिए अपने पास में इसका सूत्र लगाएंगे एन बट्टा 2, और अगर विषम संख्याओं में दी हुई है तो एन प्लस 1 बट्टा 2 ये दिए। तो अब देखो अपन ने प्रश्न लिया 64, देखो 1 और 2 यानी 2 किस में आ रहा है, सम अंक में आ रहा है, तो एन बराबर अपने पास में क्या हो गया, 2 हो गया। तो अपन ने सम संख्या के लिए एन बट्टा 2 लिया, तो 2 बट्टा 2 किया तो काटा तब। अब 64 का देखो वर्ग है 64, और 64 का देखो अपने पास में वर्ग मूल क्या प्राप्त हो रहा है, 8, यानी ये कितना, 1 अंक का प्राप्त हो रहा है, ये अपने को इस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। अब आके अपन के पास में विषम संख्या की कोई संख्या ले ली, तो अब देखो इसमें कितने अंक आ गए, 5 अंक आए, तो ये विषम संख्या में तो एन बराबर अपने पास में क्या हो गया, 5, तो अपने पास में देखो एन प्लस 1 बट्टा 2, तो 5 और 1 को जोड़ा तब 6 आया, और 6 को 2 से भाग दे दिया तो अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब ये इसका जो वर्ग मूल प्राप्त होगा वो 3 अंकों का प्राप्त होगा। ये आगे अपने पास में तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये भी भाग विधि से ही ज्ञात करने हैं। अब देखो इसमें भाग विधि से दिया है पर अपने को दशमलव उसमें अपने को वर्गमूल में लिखना है, इसमें भी वैसे ही युग्म बनेंगे। अब देखो 7.29 है तो अपने पास में देखो 2.9 का एक युग्म बन गया और 7 आ गया। अब 7 एक वर्ग नहीं है, 7 से छोटा वर्ग है 4 और इसका वर्ग मूल है अपने पास में 2, तो 2 × 2 ये अपने पास में वर्ग मूल उतार लिया और 4 एक वर्ग उतार लिया और 29 अपन ने इसका युग्म। अब देखो इस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे अपन ने जहाँ पे अपने पास में ये वर्ग मूल प्राप्त करे वहीं पे दशमलव लगा देंगे, और फिर अपने पास में ये 29 उतारा, 7 में से 4 गए, अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, 329 प्राप्त हो गया। अब अपने पास में देखो इसको 2 और 2 को जोड़ा, 2 और 2 को जोड़ा तो 4 आ गया। अब देखो 9 है, 9 किस किस में
इकाई अंक में आता है, एक तो आता है तीन में और एक आता है अपने पास में सात में। तो अब देखो अपने पास में छोटी संख्या है तो इसमें ये बड़ी है, जिसमें मतलब ये अपन बड़ी संख्या लेके करेंगे। अब देखो यहाँ पे सैंतालीस दिया हुआ है, सैंतालीस दिया हुआ है, सैंतालीस में यानी कि अपने पास में सात का युग्म लेना है। सात का युग्म ले लिया, अब इसको गुणा कर दिया तो अपने पास में 329 प्राप्त हो गया। अब 329 में से 329 घटा दिया, अपने को जीरो प्राप्त हो गया। तो ये 2.7 इसका ये वर्गमूल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये भी ऐसा कैसा है, इसमें दो दो युग्म बन रहे हैं तो अपन ने इसका ये 31 है, 31 से छोटा अपने पास में 5 है, 25 आ रहा है वर्गमूल, और 5 इसका वर्गमूल आ रहा है और 25 इसका वर्ग आ रहा है। 36 उतार दिया, 36 और 31 में से 25 चले गए, अपने पास में 6 बच गए। अब इसमें 6 अभी 5 और 5 को जोड़ दिया, क्या प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। और अपने पास में 6 है तो 6 किस किस के इकाई अंक में आते हैं, तो 6 किस किस के आते हैं, एक तो अपने पास में 4 के आते हैं और एक अपने पास में 6 का आता है। तो ये बड़ी संख्या इसलिए अपने इसका 6 का युग्म लेके गुणा किया तो अपने पास में 636 प्राप्त हो गया है। इस प्रकार 31.36 वर्ग का 5.6 वर्ग मूल प्राप्त हो गया। इस प्रकार आगे ही अपन इसके और आगे प्रश्न नंबर चार में है, अपने पास में प्रश्न है चार में क्या है कि अपने को क्या जो संख्या है वो वर्ग नहीं दी हुई होगी। इसमें क्या बताना है कि न्यूनतम क्या घटावे कि उसके पीछे यानी उस जो दी हुई उसके पीछे वाली वर्ग संख्या प्राप्त हो जावे, और वर्ग संख्या प्राप्त हो जावे तो उसमें उसका पूर्ण वर्ग मूल भी अपने को बताना है। वर्ग मूल अपन के पास में दिया 402। अब 402 दे दी संख्या, ये अभी 402 अपने पास में ये एक वर्ग संख्या नहीं है, फिर भी अपन इसमें क्या करते हैं, भाग विधि से हल करना है। भाग विधि से हल किया तो देखो दो का युग्म बन गया, दो का। अब चार एक वर्ग संख्या है तो अपने वर्ग संख्या है तो माइनस चार लिख दिया। अब इस चार का वर्ग मूल क्या है, दो और दो, अब दो है तो प्लस के रूप में भी दो कर दिया। अब देखो यहाँ पे अपने पास में जीरो और ये जीरो दो युग्म उतार दिया, अब यहाँ पे चार है। अब देखो इससे ये छोटी संख्या है इसलिए इसको क्या हो जाता है, ये भाग टूटना है, इसका मतलब यहाँ पे शून्य लग जाएगा। अपने पास में वर्ग मूल क्या प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। अब अपने पास में इसमें से इसने क्या है कि क्या घटा हुआ है, तो क्या घटाया, जीरो दो, यानी जो शेष फल बच रहा है उसी को ही घटाना है। घटाया तो अपने पास में क्या आ गया, 400 किसका वर्ग, 400 का वर्ग मूल क्या है, 20 है। आगे इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न करेंगे, दूसरे प्रश्न में भी क्या है, ये अपन ने संख्या ली तो ये 1989 ली, 1989 ली तो अपने जो युग्म बना दिया। अब युग्म बनाया और 19 एक वर्ग संख्या ने, 19 से छोटी वर्ग संख्या है 16 और इसका वर्ग मूल है 4 है। अब इसमें से अपन ने दूसरा युग्म उतार दिया, दूसरा युग्म उतारा और इसमें से घटा दिया तो अब ये आ गया 3 आया। अब इसमें अपन ने इसको जो अपने पास में वर्ग मूल आया उसी को ही जोड़ना, तब यहाँ आ गया अपन ने जोड़ा तब 8। अब इसमें अपने को इकाई अंक नहीं पर उसके आसपास अपन संख्या ले सकते हैं, 8 के पास में अपन कोई भी संख्या जैसे 5 ले ली, ऐसी संख्या लेके देखेंगे अंदाज से इकाई, और लेना युग्म ही। अपन ने ये लिया तो ये संख्या बड़ी आ रही है इसलिए अपन ने क्या लिया, इसमें 4 लिया, 4 लिया तो ये गुणा किया तो उसके आसपास वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसके आसपास वाली संख्या 336 प्राप्त हो गई, 336 प्राप्त हुई। और घटाया 389 से 336 घटाया तो अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, 53 प्राप्त हो गया। अब 1989 में से 53 घटा दिया, अपने पास में क्या प्राप्त हुई, 1936 प्राप्त हो गया। 1936 का वर्ग मूल क्या प्राप्त हो गया, 44। तो इसने पूछा है इस क्या घटाया, तो 53 घटाया और उसके 53 घटाने पर उसका आगे का वर्ग मूल 44 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपने पास में ऐसे ही आगे हमने को गृह कार्य दिए जाते हैं। धन्यवाद।